जिस तरह बॉल को पॉकेट किया है उस तरह घनश्याम को पॉकेट क्यों नहीं करता रे? कोशिश तो 6 महीने से कर रहा हूं जोसेफ साहब, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है। वो कमबख्त हाथ ही नहीं धरने दे रहा है। हिजड़े के वहां पर एक बात मत कर यार, घनश्याम को अपने हाथ में आने से मांगता है। अगर एक बार वो अपने हाथ में आ गया ना तो गवर्नमेंट के बजाय अपने लिए नोट छापेगा और अपन घर बैठे बैठे अमीर हो जाएगा। सुशील ये तुम लो, ये तुम लो चंदा। अरे ये रही, ये फुलझड़ी कैसी है बड़े भैया? बिल्कुल मेरी चंदा जैसी। मेरी तरह ये भी नहीं देख सकती क्या? तुम एक दिन जरूर देखोगे चंदा। ये 200 ब्लाइंड। अच्छा तू यहां क्यों खड़ा? साहब आपके सिगरेट चले आ साहब। जी ये 1600 की मेरी चाल। ओ हेल, पैसे नहीं है यार मेरे पास। मेरे पास हैं ये थोड़े से। पैसे खत्म हुए तो क्या हुआ? घर पे खूबसूरत जवान बीवी जो बैठी है, लगा दो उसे दांव पे। मैं चला हूं। ये तो मर गया घनश्याम। ये तुमने क्या किया, क्या किया तुम घनश्याम? तुमने मेरे गला में खून कर दिया। माँ, 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 पापा ने किसी का खून कर दिया। मुंह चले, क्या बकवास करता है? ये ठीक कहता है भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से उसे स्टेशन की तरफ भागते हुए देखा है। माँ फिक्र मत करो, मैं अभी पापा को लेकर आता हूँ। अबे ओ, यहाँ कैसे आया तू? डीसी बाहर है, मेरे पास टिकट नहीं। टिकट नहीं है तो तुम फिक्र मत करो, तुम इधर आके बैठो, तुम्हारा टिकट मैं निकालूंगा। बेटे तुम एक काम करो, ये लेके बाहर चलो, मैं बाकी का सामान लेके आता हूँ। हाँ और ये लो तुम्हारा टिकट। क्या तुमने बताओ? मैं बाद में सब कुछ बताता हूं सर, पहले मुझे बचा लीजिए प्लीज। वेल डन बॉयज, वेल डन। शिकार कहां का बिल्कुल सही किया है तुमने। माँ मुझे सुसु आया। अच्छा बेटा तुम यही बैठो, हम आते हैं। चलो बेटी। बात कहूं मानेंगे आप? फरमाइए। क्यों ना इसे हम अपना बेटा बना ले? और अगर इसकी मां मिल गई तो? मैं एक औरत हूं, दाया नहीं, जो किसी मां की गोद उजाड़ दूं। वो आएंगी तो उनकी अमानत उन्हें लौटा दूंगी। आज तुम जिंदगी और मौत के दो राय पे खड़े हो, एक तरफ जिंदगी है दूसरी तरफ मौत। किधर जाना है ये फैसला तुम्हें आज और अभी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, आप जो चाहेंगे करूंगा। That's it, excellent, wonderful, that's what I'm... आज घनश्याम मर गया, उसकी जगह विक्रम सिंह ने ली है। विक्रम सिंह हो तुम आज से? विक्रम सिंह। एंडी उठ यहां से, तेरी मां कहां मर गई? क्या हुआ मालकिन, क्या किया इसने? इससे कुछ नहीं किया, लेकिन ये सारी कारस्तानी तेरी है, इसे यहाँ क्यों भेजा? फर्श साफ करने। फर्श साफ करने या मेरा सफाया करने? इसे यहाँ भेजकर मेरे पति में डोरे डलवा रही है। मालकिन आप मेरी अंधी लड़की के बारे में ऐसा कह रही हैं? अब मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं। 5 रोज काम किया है, ये ले 5 रुपए और दफा हो जाए यहाँ से।
ऐसा पाइप तो त्रिपाठी अंकल के पास भी है। अपना वक्त नहीं। हेलो, कौन? बंदा तेरा। अच्छा, तो आप ही हैं। ठीक ठीक बताइए, आपको क्या चाहिए? तुम बड़ी खूबसूरत हो। थैंक यू। अगर ये बात है तो फिर मिलते क्यों नहीं? अभी हाजिर हो जाऊं? ऐसे थोड़ी घर पे। फिर कहाँ? कोई रोमांटिक स्पॉट? खूबसूरत हो हर तेरी हर अदा है हसी हसी, नजर न लग जाए कहीं, आरज़ू हो जरूरत हो, तुम बड़ी खूबसूरत हो। खुशी की रात, आंख में आंसू, बात क्या है, कौन हो तुम? इसी रात से हमारी बदनसीबी की कहानी शुरू होती है बाबा। मैं घनश्याम का बेटा हूं। तुम घनश्याम के बेटे हो? देवता आदमी था बेचारा, उन कमबख्तों ने धोखा देकर उस मासूम को फंसाया था। किसने फंसाया था बोलो? रखू ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम इस वक्त रात को बारिश में? मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं घर में अकेली थी, घबरा कर बाहर निकल पड़ी कि शायद कोई मिल जाए जो मुझे किसी डॉक्टर के यहाँ तक पहुँचा दे। चलो मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। घनश्याम की बीवी, ये चक्कर क्या है? मैं कितना बदनसीब हूं, अपनी मां को मां नहीं कह सकता, उसे सीने से लगाकर ये नहीं बता सकता कि मैं ही उसका बेटा रवि हूं। कुंवर घनश्याम का बेटा है। अंकल, वो मैं सुषमा को बाहर घुमाने ले जा सकता हूँ? हाँ बेटे, जरूर ले जाओ, अगर मैं ना कहूंगा तो तुम छुप छुप के घुमाओगे इसे। जाओ जी, अब जाओ। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। थैंक यू। ये डीएसपी भतीजी की आड़ लेकर चाचा जोसेफ तक पहुंचना चाहता है, अब मुझे जोसेफ की फाइल बहुत जल्द बंद करनी पड़ेगी। त्रिपाठी साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? हांगकांग से टेलीग्राम आया, आपके भाई जोसेफ की डेथ हो गई। अब तो मामला बिल्कुल साफ है कि ये त्रिपाठी का चलाया हुआ कोई बहुत बड़ा चक्कर है। त्रिपाठी, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कॉलर छोड़ो, स्त्री खराब हो जाती है। तुम्हारी छोटी सी नादानी से इस मासूम की जान जा सकती है। बेहतरी इसी में होगी कि मेरे और मेरे साथियों का जितना भी माल तुमने लूटा है वो वापस कर दो, वरना तुम्हारी बहन तुम्हें मिल तो जाएगी लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में। डोंट ट्राई इट प्लीज। मेरी बात मानो, तुम वापस चले जाओ। वापस कैसे जाओ? जिस इस पार्टी से हीरे लिए हैं उन्हें पेमेंट कौन करेगा? मिस्टर जोसेफ? जोसेफ नहीं, त्रिपाठी बोलो। मेरे लिए तुम जोसेफ ही हो। शाम के 6 बजे तक पैसे पहुंच जाने चाहिए, समझे? मैं मुरली बोल रहा हूँ। मुरली? त्रिपाठी जोसेफ है? हाँ ठीक कह रहा हूँ, और एक दूसरा झटका भी ले लो, विक्रम सिंह ही तुम्हारे पिताजी घनश्याम है। तो बिल्कुल होशियार रहना, मैं भी आ रहा हूँ।
क्या बात है? आप लोग यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम बेटा? मैं सुशील हूँ माँ, तुम्हारा सुशील। याद है 20 बरस पहले बस एक्सीडेंट में हम लोग बिछड़ गए थे। सुशील, सुशील, बेटा, कितने बड़े हो गए हो, सुशील, बेटा। बस करो माँ, बस करो, नहीं तो ये सीना फट जाएगा। अरे पगले, तू क्यों रो रहा है? रो नहीं रहा हूँ माँ, बस इनकी खुशनसीबी को देखकर खुशी के आंसू निकल पड़े। इतने नसीब वाले सब कहाँ होते हैं। माँ, चंदा कहाँ है? अस्पताल में है, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। सच माँ? भैया और पिताजी का कुछ पता चला? वो नहीं मिले, हम ठोकरे खाते रहे, फिर ये फरिश्ता मिल गया। मैं इनके एहसानों का बदला तो जिंदगी भर नहीं चुका सकता, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ गिरफ्तार कर लिया हूँ। गिरफ्तार? आओ, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये मुझे दे दो, थक गए होगे। पहले मेरी बहन चंदा रानी। चंदा रानी, चंदा, ये पापा जी हैं। हाँ। हमारे पापा जी हैं और मैं तुम्हारा सगा भाई रवि हूँ। हाँ पापा जी, पापा जी। मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं है कुंवर कि कांच के टुकड़ों में और हीरो में फर्क ना जान सके, और मेरी अकल भी इतनी कमजोर नहीं कि तुम जैसे हरामजादों को ना पहचान सकूं। जबान को लगाम दे और सच सच बता दे मुझे हीरे कहाँ। हाथ हटा लंगड़ दीन, कपड़े खराब हो जाएंगे। ये लंगड़ा नहीं है बेटा, ना इसका नाम असली है ना सूरत असली है। इसका नाम जोसेफ है, अच्छी तरह जानता हूँ। ये दाढ़ी की आड़ में शिकार खेलता रहा है। क्यों मिस्टर त्रिपाठी और जोसेफ? भतीजे तुम? हाँ चाचा, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखकर बहुत खुशी हुई। सर, ये कमिश्नर का बेटा नहीं है, इसी बुढ़िया का सगा बेटा है। ओ, हमारे लिए तो ये बिल्कुल नई खबर है। ले जाओ और बांधो इसे। जनाब, तुमने जो कारनामा अंजाम दिया है वो सिर्फ अपना खून ही दे सकता है। हम बहुत खुश हुए, इसीलिए अपने दोनों दुश्मनों को खत्म करने की इज्जत हम तुम दोनों को देना चाहते हैं। डार्लिंग, तुम कुंवर को गोली मारोगी और भतीजी तुम इस डीएसपी को जहन्नुम रसीद करोगी। तो यह है तुम दोनों की असलियत। जब कमिश्नर ने तुम्हें मेरे हवाले किया था, मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम पुलिस के एजेंट हो। त्रिपाठी, तुम्हारे करतूतों का भंडा फूट चुका है। पुलिस चारों तरफ से तुम्हारे कसीनों को घेर चुकी है, इसलिए अब तुम बच नहीं सकते। कमिश्नर साहब, मेरे एक हाथ में आपके बेटे की कनपट्टी पे लगा हुआ एक पिस्तौल है और दूसरे हाथ में ये रिमोट कंट्रोल, जिसका कनेक्शन इस गाड़ी के नीचे लगे हुए एक बॉम्ब के साथ है। अगर पुलिस ने कोई गलत कदम उठाया, मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मेरे साथ ये सब भी मरे। हाँ, अगर पुलिस ने मेरे कहने पर अमल किया, मैं वादा करता हूं अपनी मंजिल पर पहुंचकर इन सबको जिंदा सलामत वापस भेज दूंगा। Let him go. Don't fire. मैं तो इस मुल्क से बाहर जा रहा हूं भतीजे, तुम सब इस दुनिया से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। Thank you.
तुम्हें कहां से मिला? ये उस मासूम की निशानी है जो मेरी मां थी, अपने पति के लिए तड़पती हुई वो इस दुनिया से चली गई। बेटी, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया था। तुम्हारा जलील बाप अभी जिंदा है, तुम्हारी आंखों के सामने है। बेटी, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे डैडी कहकर बुला लो, सिर्फ एक बार बेटी। कुदरत ने तुझसे तेरे कर्मों का बदला लिया है जोसेफ।